संत बन के भोली भाली औरतों का जेवर चुराता है, दूध भगाने का ढोंग करके गरीबों का खून चूसता है। खून चूसता किसको कहते हैं ना, मैं तेरे को बताता हूं। आज के बाद से काला जादू नहीं करूंगा साहब। तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है, पैसे उगलवाता है लोगों से। क्या समझता है तू अपने आप को, बहुत बड़ा तांत्रिक? जब जब देखो तब फ्रॉडगिरी करता रहता है। चल आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। साहेब क्या रे, जो मैंने सुना वो सही है क्या? क्या सुना है आपने? तो टीवी में प्रोग्राम करता है, बहुत हिट है, तेरा टीआरपी बहुत जबरदस्त है। हा? उनका शो है, उनकी टीआरपी है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है बैठ। हाथ की सफाई करता है ना, संभल जा। गलत शिकायत की है किसी ने आपको मेरी, ये हाथ की सफाई नहीं है। असर ये भगवान की देन है, जहां आपकी वेव्स फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस आत्माओं से मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं। आत्मा इस समय मैं पुलिस स्टेशन में हूं, एसीपी साहब से बात कर रहा हूं। काजी गुड गुड ग्रेविटी कुछ क्या? लेकिन साधारण मनुष्य ये सब नहीं समझ पाएगा। हा? सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते हैं। आत्माओं से बात करने का डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए सोचा कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर। सही आदमी ढूंढा है। ए हीरो, ऐसा कोई विशेष ना है, स्टेशन के पास से गाड़ी चोरी हो गया है। उसको ढूंढ के देना प्लीज। आपकी गाड़ी थी? डिपार्टमेंट की गाड़ी है, इसीलिए तो फटी पड़ी है मेरी। इधर के जितने गाड़ी चोरे उनको ला के तोड़ा, उनका काम नहीं है, समझ ला इसका। क्या सर, पुलिस नेटवर्क, जीपीएस ट्रैकिंग, ये सब के होते हुए भी अपनी गाड़ी ट्रेस नहीं कर पाए, यकीन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है रे, क्रैश हुए प्लेन भी कहां मिलता है, ये तो गाड़ी है। दो दिन के बाद सीएम के साथ मेरा मीटिंग है, इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने, कुछ करना बाबा। ये काम पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाएगा, तू जगह बता, मैं सब इंतजाम करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे, काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डायरेक्टली मैं आत्माओं से चैटिंग करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। क्या? आत्मा यहां नहीं आएगी। तो फिर मेरे घर आ जाइए, दोपहर तक पूजा करके शाम तक जवाब दूंगा। भैंस का दूध और मुर्गी के अंडे लाना मत भूलिएगा, काम हो जाएगा। स्वामी जी सिर्फ अंडे लाओ या काजू चकली वगैरह? दारू पीनी है जो चखना लाओगे? स्वामी जी ऐसी बातें करते हैं? सॉरी बाबा, आत्मा से मैं बात करूंगा, दूध और अंडे नाक के बिल में चढ़ा देना। ओके स्वामी जी, ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना। बात मुझ तक ही रहेगी, बिल में जाने के बाद दूध बाहर नहीं छलकता। कैश। अब, सर हा? अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है, इसे प्यार से गिराइए, नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे। ठीक साहब, आप क्या अंडे? एक सीमा रेखा जहां दो भाषाओं का संगम होता है। अरे बाप रे, पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब गाड़ी टेररिस्ट के पास। उस जगह का नाम ता से शुरू होता है और ता पर खत्म। बोले तो थाईलैंड। चुप, ता से शुरू वाली दा पे खत्म होने वाली कोई जगह नहीं है स्वामी, कहीं ये क्या कनाडा तो काडा भला ना ताड़ा ताड़ा। जुमरी तलैया से 500 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर के नीचे केसरिया रंग के लुभाव ने रंग में रंगे एनटीआर के पुतले के नीचे खड़ी है। ए, जल्दी मालूम कर। ओ साजा, सब कुछ रेडी है, तू फोन लगा। गुड मॉर्निंग सर। साहेब मैं इंस्पेक्टर राजा शिंदे बोलते हैं। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस किया, मैं कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना? बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है, आत्मा ना टोल भरती है और ना रोड टैक्स। साहेब एक गाड़ी मिली है उधर, आप बोल रहा है। इसे कैसे पता चला? इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं छुपाएगा। हाँ बोलिए सर।
साहब उसे हाथ लगाया तो हवा में उड़ गया। वो जो भी हो उससे कहो कि गाड़ी से दूर रहे। साहब जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाड़ी से दूर रहो। साहब खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा, खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 क्लीम स्वाहा, फास्ट एंड फ्यूरियस 7। साहब गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई। चली मारी तेरी मां का सगीरा था, तेरी मेरी माँ का साकी मारा, माँ की मारा, तेरी माँ का साकी रखा, तेरे ला माँ का री। गाड़ी चल रही है साहेब। बस काफी हो गया, गाड़ी रोक ले साकी, गाड़ी रोक ले, बोल दो। गट्टी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हम, गट्टी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हम, गाड़ी पुलिस स्टेशन आ रही है साहेब। गट्टी ड्राइविंग फास्ट हम चलता हम, गाड़ी ड्राइविंग फास्ट चल। जय हो बाबा, जय हो काश्मोरा बाबा की जय हो। स्वामी मैंने आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया, उस आत्मा ने गाड़ी जिधर से खोया था उधर ही पहुंचाया। देखो देखो मेरे वैक्सिंग के लिए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ, एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिकारक है। अभी तो भगवान में विश्वास हो गया, आप जिधर खड़े होएंगे मंदिर उधर ही बना दूंगा बाबा। आशीर्वाद दो बाबा। अरे आप किधर जा रहे बड़े बाबा, आशीर्वाद दो। अरे रहने दो, आप जैसे बड़े ऑफिसर संतों के पैर पे गिरे, ये हम जैसे सन्यासियों को शोभा नहीं देता। मत बोलो बाबा, मेरे लिए ऊपर भगवान नीचे आप है, मेरे को आपका चरण में जगह दे दो थोड़ा सा बाबा। दो ना बाबा दो। रुकिए एक सेकंड। क्या भाईजान, आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे, देखिए उधर खुद एसीपी सर उनके चरणों में गिरे हैं। स्वामी वो गाड़ी चोर का नाम बताओ ना, मैं उसको दंड दूंगा। आत्मा उन्हें दंड देंगी। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। अपने सीनियर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। काश्मोरा जी की जय। सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है दो नंबर के धंधे। मौलवी साहब की धमकी के बाद काश्मोरा ने आने वाले खतरे को भांपते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रात को ही उड़ा ली और अपनी टीम की मदद से वैसी ही दूसरी गाड़ी बना ली। मैडम दोनों कार रेडी है, डुप्लीकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस स्टेशन। एक कार पुलिस स्टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर। डुप्लीकेट कार में करंट के झटके वाले गैजेट्स फिट किए और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया। पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आंखों से ओझल हो गई, जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहले से ही पुलिस स्टेशन पर खड़ी कर दी गई थी। इस तरह काश्मोरा ने ऑफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया। आत्मा से चैटिंग करके काश्मोरा ने न सिर्फ कार का लोकेशन बताया। हाँ सर, हाँ सर गाड़ी, हाँ पुलिस स्टेशन आ गई है सर, बल्कि ऑफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इस चमत्कार को ऑफिसर ने नमस्कार किया। बिजनेसमैन राजेश और उनकी फैमिली के हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शक के घेरे में आए मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाई हुई है, पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सनी जैसे ही आपने आज का अखबार पढ़ा, आपने कहा सीबीआई और एफबीआई दोनों संभाल लेंगे, प्रेस के सामने चुप रहने के लिए कहा, रिपोर्टर मसाला मार के न्यूज छाप रहे। हमारा गणित तो ठीक था, ये सब कुंडली में तो नहीं था। आप बुझे, जिस रस्सी से राजेश को फांसी लगाई थी वो पीले रंग की थी ना। मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आपसे रंग पूछता। हो जाइए ना बेटी, धीरज रखो, ये सब से बचने का उपाय है, हमारी बात मानो और एक ठो हवन करवा लो। वो हवन के बाद तुम खूब माल कमाओगे। कर ले हवन कर ले। सर आप कहें तो दूसरा ज्योतिष अरेंज करें। हाँ बोल। आपको बताए थे ना वो टीवी पर जादू, तो सारे ज्योतिष फ्रॉड लगने लगे। चल भाग। क्या हुआ? काश्मोरा स्वामी टीवी वाले हैं ना? हमारे काश्मोरा स्वामी? हाँ वही साहेब, काश्मोरा को अच्छी तरह जानता हूँ, एकदम रॉकिंग है। एक बार आजमाएंगे ना, गारंटी देता हूँ कभी छोड़ेंगे नहीं उसको आप। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। प्रचोदयात्।
आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। सच में लगता है कायनात का जर्रा जर्रा आपसे मिलवाने की साजिश में लगा था। स्वामी, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या? फेसबुक पे डालूंगा। ले लो। मैं क्या बोलूं? गुरुजी, मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे? थोड़ा स्माइल कीजिए ना। बात कर। हो थोड़ा कोने में आओ ना स्वामी। क्या है स्वामी, इसको काय को डिमांड दे रहे हैं आप इतना? आप सेल्फी में बिजी है और मंत्री जी आपका वेट कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, इन्हें देख करके मेरे होश खो गए। आप बताइए। कुछ खास नहीं है, कुछ दिनों से घर के अंदर घर के बाहर माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस है। एक को सॉल्व करूं तो दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। यकीन नहीं होता स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है। अब, मुझे माफ करें, मैं स्वामी जी की जगह नहीं ले सकता, मामूली पुजारी हूं। ये तो स्वयं भगवान है, इनका आशीर्वाद लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं। आशीर्वाद है, चलता हूं, अनुमति दे। कोई है यहां? बहुत शक्तिशाली है। आज भरानी नक्षत्र है, कृतिका कब आएगा? बुधवार को? उस दुष्ट को बाहर निकालो, दो दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊंगा। दो दिन के बाद आत्मा को भगाएगा, उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा। तू रातों तक उल्लू की तरह आंख खोले रखना है, फिर देखते हैं वो ससुराहा मरी जगह कैसे लेता है। हमारे अनुभवी ज्योतिष महाराज जानते थे कि काशमोरा जैसे फ्रॉड तांत्रिक कौन कौन से पैतरे आजमा सकता था। या तो काशमोरा 3D स्पेशल इफेक्ट से भूत क्रिएट करने की कोशिश करता, या फिर चुपके से ब्लैक मैजिक वाला पुतला घर या गार्डन के किसी कोने में छुपा के रखता। अपने दोनों असिस्टेंट्स को जेम्स बॉन्ड और करमचंद बना के घर की जासूसी करवाने लगे। मगर अफसोस, दिन रात उल्लू की तरह जाग के भी ज्योतिष महाराज काशमोरा के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए। वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि काशमोरा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुछ करने वाला था। वो स्वयं ज्योतिष महाराज को अपने चक्कर में फंसा के उसे घनचक्कर बनाने की फिराक में था। अब तो ज्योतिष महाराज को भी लगने लगा कि शायद काशमोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है। भगा पाएगा या भूत को भूतनी का? हमको तो लागत नहीं है। आ जा भूत जी। I am coming. खेत में खुले सांड जैसा घूम रहा है, भूत का वाईफाई कनेक्शन ढूंढ रहा है का? आत्मा जैसे खुद ही कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ छुपा है वो। सुलेमान सेठ, हाउ आर यू? व्हाट्स द न्यूज? Huh? Who? Where? Okay. Shul. What shul? ये भूतनी का किससे बात कर रहा है? स्वामी जी, कौनो अंग्रेज आत्मा लागत है? Oh, you mean त्रिशूल? वो जो एक चक्र में कैद है, ये तो अनर्थ है। डिटेल पूछो। अच्छा, गाड़ी। आपकी मर्सिडीज की बात कर रहा है? हाँ, गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी। भूतनी वाले ने गाड़ी में कुछ झोल किया है, हम उल्लू के पट्टों का पता कहीं नहीं चला। Yes!
हाँ भाई काम हो गया, सफेद मर्सिडीज है, गाड़ी का नंबर है 3x5। सारी बेंस के नंबर 555 है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नंबर नहीं मिला क्या? उस स्वामी के बजाय इस स्वामी को फंसा दिया। सॉरी, फिर से बोलो, पूरी डिटेल्स नहीं सुन पाया, कान में तकलीफ थी। TN20 यानी तिरुवलर, ये नहीं होगा। TN11 यानी तंबरम, कैंसल, जरूर यही होगा। गधे कहीं के, अकड़ बकड़ करना पड़ेगा मुझे। मामी जी, अबे गेस करने का टाइम तो दो। ढूंढ रहा है, ससुर फूर हो गया। काशमुरा, सोच ले या फिर नया धंधा ढूंढ ले। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। मैंने तेरी गलती माफ की, जितना याद है उतना बता दे। कॉन्फिडेंट है? ए, फुटेज क्यों खा रहा है? बता, मेरे कान खुले हुए। बोला। हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ, क्या कर रहा है? बोला बोलना रे। अरे बोल, सुन रहा हूँ मैं, बोल। देख तू बता रहा या नहीं, मैं तेरे पास आऊँ क्या? सर, स्वामी जी की कार चेक कीजिए। चेक कर जल्दी, अगर गलत निकला ना तो फिर देख लेना। अगर ये कार नहीं निकली ना तो काशमोरा तेरा धंधा बंद हो जाएगा। चलो, अगर नहीं मिला ना तो समझ जाना, समझ गया? सर, गाड़ी में कुछ मिला है। ओम रीम क्लीम चामुंडा विष्णु ओम स्वाहा। छत पर जाकर इसे जलाना और चौपाटी जाके विसर्जन करना। लेके जा, लेके जा। ये स्वामी के कार में कैसे? बिना जड़ के पेड़ नहीं बचता। स्वामी इस घर की जड़ है, इसीलिए इनकी कार को चुना। तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला? उम्र के साथ बाल का रंग ही नहीं उड़ता। सर के अंदर की हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है, जो रिपेयर नहीं होती। स्वामी जी, वो तो आपसे फास्ट निकला, रिटायरमेंट ले लीजिए।